बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। आज तक इंसान ऐसा कचरदान नहीं बना सका जिसमें वो अपनी नफरत अदावत तासुब और जहालत को फेंक सके। हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। गंदम के दाने का दो हिस्सों में तकसीम होना हमें सबक देता है। जो रिस्क तुम्हारे रब ने तुम्हारे पास पहुंचा दिया है इसमें दूसरों का हिस्सा भी है। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका है कि तुम अपने दिल में जांग के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बद्दी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नजर आ सकता है। अल्लाह से उम्मीद न छोड़ो, बेशक तुम्हारा कल आज से बेहतर होगा। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। अगर लोगों को अपने करीब रखना चाहते हैं तो अपने दुख इनसे दूर रखिए। पेट में गिया जहर एक इंसान की जान लेता है, जबकि कान में गिया जहर कई रिश्तों की जान लेता है। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि अगर आप किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। हमेशा इन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दे, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। अपनी अहमियत जानने के बावजूद किसी के साथ लटके रहना हमाकत और बेइज्जती का बायस है, और जहां अहमियत न हो वहां बैठे न रहो। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, ये फकत इन दिलों पर असरअंदाज होते हैं जिनमें रब बसता हो। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त सिर्फ इसी वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज्यादती का जवाब देने की बजाय सिर्फ सब्र से काम लेते हैं। जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता हो वो कभी न कभी ये दो सवाल जरूर पूछेगा, तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है, मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई और था या नहीं। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।